कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य एवं पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल मेहर पहुंचे, जहां उन्होंने मां शारदा धाम में पूजा अर्चना की। भाजपा सरकार पर वार करते हुए पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने कहा कि भाजपा ने मेहर को स्मार्ट सिटी बनाने का वादा किया था, लेकिन आज ना मेहर को जिला बनाया ना ही स्मार्ट सिटी बनाया। कांग्रेस सरकार बनेगी तब हम मेहर को जिला बनाएंगे। पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बन रही है और हम 175 से ज्यादा सीटें जीतेंगे। कांग्रेस की सरकार बनेगी तो 100% मेहर जिला बनेगा। कमलेश्वर पटेल ने कहा कि भाजपा सरकार ने मेहर को स्मार्ट सिटी बनाने की घोषणा की थी, लेकिन क्या मेहर स्मार्ट सिटी बना? नहीं ना। यहाँ के स्थानीय विधायक ने भी कई बार इस विषय में अपनी नाराजगी जाहिर कर दी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। जब ये सरकार अपने विधायक की ही नहीं सुन रही है तो जनता की क्या खाक सुनेगी। कमलेश्वर पटेल ने भाजपा मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर कहा कि चुनाव के कुछ ही महीने बचे हैं और इतने कम समय के लिए किसी को मंत्री बनाने की क्या आवश्यकता थी? बनाना था तो पहले ही बनाते। 100% मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बन रही है और हम 175 से ज्यादा सीटें जीतेंगे और मध्य प्रदेश में पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। देखिए, कांग्रेस की सरकार बनेगी तो 100% मैहर जिला बनेगा। मैहर को तो स्मार्ट सिटी का भी घोषणा किया था, क्या स्मार्ट सिटी के नाम पे क्या मिला? जब चुनाव था, उपचुनाव था, कितने बड़े बड़े वादा भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री ने, उनके मंत्रियों ने जगह जगह घूम के बहुत सारे वादे किए थे, उसमें से एक भी काम नहीं किया। यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने कई बार इन सब विषयों को लेकर नाराजगी भी जाहिर की है। तो जब भारतीय जनता पार्टी के विधायक की सुनवाई नहीं हो रही है तो जनता की क्या सुनवाई होगी? भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं लगातार झूठ और फरेब की राजनीति करते हैं। अब आप देखिए, चुनाव आया, आचार संहिता लगने वाली है, सरकार बदलने वाली है, इस समय मंत्री बनाने का क्या औचित्य है? सिर्फ वोट लेने के लिए। पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी हर वर्ग के लोगों का ख्याल रखती है। कांग्रेस पार्टी ने 5 गारंटी योजनाओं की घोषणा की है। एक तो पुरानी पेंशन बहाली, दूसरी 100 यूनिट तक फ्री बिजली एवं 200 यूनिट बिजली हाफ, तीसरी किसानों के कर्ज माफी योजना लागू की जाएगी, चौथी महिलाओं को 1500 हर महीने दिए जाएंगे, वहीं पांचवी 500 में गैस सिलेंडर देने की गारंटी दी गई। वहीं मेहर विधायक नारायण त्रिपाठी को कांग्रेस में आने के सवाल पर पूर्व मंत्री ने कहा कि अभी इस तरह की कोई बात नहीं हुई है। पुरानी पेंशन बहाली हमारी जिन राज्यों में सरकार बनी है वहां लागू हो गई है। 100 यूनिट फ्री बिजली और 200 यूनिट पे हाफ करने का ये अनाउंस किया है। महिलाओं के लिए 1500 रुपए खाते में देने का काम किया है, तो दूसरा 500 रुपए में गैस सिलेंडर भी देने की गारंटी दी है। किसान कर्ज माफी पुनः लागू होगी। कांग्रेस जो कहती है वो करती है। बिल्कुल हम आपकी बात से सहमत हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में शिक्षा कोई प्राथमिकता नहीं है। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल, ओनली प्राइवेट यूनिवर्सिटी इन MP टू बी NIRF रैंक फॉर 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स, जहां है 600 से ज्यादा कंपनी टाइप्स फॉर प्लेसमेंट्स, अटल इंक्यूबेशन सेंटर फॉर नर्चरिंग स्टार्टअप्स, इंडस्ट्री एकेडमिया कोलैबोरेशन फॉर एक्सपोजर ऑफ रियल इंडस्ट्री वर्ल्ड, 20 सेंटर्स ऑफ एक्सलेंस फॉर रिसर्च, साथ ही ग्लोबल फेस्टिवल विश्व रंग में शामिल होने का अवसर देता है। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी, अनलॉकिंग पोटेंशियल। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।